और कर्नाटक की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगने जा रहा है। और इस खबर के आते ही बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने लगी है, जो लोग अपने अपने घर जाने के लिए अब निकल पड़े हैं। देखिए यासर मुश्ताक की यह रिपोर्ट। कर्नाटक में आज रात 9 बजे से 14 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है, लिहाजा बेंगलुरु से लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के KSRTC बस स्टैंड में। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जमा हो रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस पहुँचे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, लिहाजा वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहीं जो है यहाँ पर भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए और मास्क लगाए रखे लोग, इसलिए यहाँ पे जो है मार्शल पहुँचे हुए हैं जो लगातार चेक कर रहे हैं कि लोग कहीं ज़्यादा एक जगह पे जमा ना हो और बिना मास्क पहने यहाँ पर लोग न पहुँचे। सरकार ने भी जो है 500 से ज़्यादा एक्स्ट्रा बसेस आज यहाँ पे चालू की है ताकि लोग अपने गांव पहुँच सके और उन्हें किसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।